यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पूजा पाठ का सामान यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, और परवत्ता में काफ़ी सारा फास्ट फूड का दुकान देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों देखिए, ये परवत्ता का अंदर का मार्केट है। मता में सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपको कपड़ा का दुकान देखने को मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज जो हम हैं परवत्ता बाज़ार में, और ये मेरे गाँव का नया मेन मार्केट पड़ता है। मेरे गाँव के नहीं, मैं अदर 20-25 गाँव ऐसे हैं जिसके ये गाँव मार्केट जो है मेन मार्केट पड़ता है। तो काफ़ी सारे कमेंट आया हुआ था, एक बहुत पहले वीडियो मैंने डाला हुआ था मार्केट के ऊपर, तो काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाइए मार्केट के ऊपर, जो कि कौन कौन से बदलाव हुआ है मार्केट में और कौन कौन से नए नए दुकान खुले हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाइए और हम लोग भी अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों आज उसी के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं और आपको पूरा मार्केट का टूर करवाने वाले हैं कि कौन मार्केट में कौन कौन से नए नए दुकान खुले हैं। हम हैं परवत्ता के टेम्पू स्टैंड में, और ये देखिए टेम्पू स्टैंड है। यहाँ पे पहले जो है ना ऑटो लगा करता था, अब उस ऑटो की जगह टोटो लगता है। यानी कि देखिए इसी पे एक मानना है कि सबका टाइम आता है। पहले यहाँ पे जो जितने भी आपको टोटो दिख रहे हैं, यहाँ पहले ऑटो लगा रहता था यहाँ से वहाँ तक। देखिए यहाँ से आपको इस रास्ते से, ये रास्ते से पीछे वाला रास्ता जो है, ये रास्ता आपको नयागांव रास्ता दिख जाएगा, और उधर अगवानी बबराहा ठुट्ठी सिराजपुर ये रास्ता चला जाता है। तो ये जो आप मोबाइल का दुकान देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना है, मतलब बहुत साल से ये दुकान खुला हुआ है। और इधर एक फास्ट फूड का दुकान है, चाउमीन चाट का, ये भी बहुत पुराना दुकान है। मतलब परवत्ता में मतलब ऐसा दुकान आपको देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत काफ़ी पुराना, बहुत साल से मतलब खुला हुआ है ये सब दुकान। और इधर आपको जेवर सब का दुकान देखने को मिलेगा। बाकी बात इधर फैंसी कपड़ा का दुकान है, ये राशन का दुकान, एक ये राशन का दुकान है और एक ये राशन का दुकान है, जो कि बहुत ही फेमस है परवत्ता का। दोस्तों टेम्पो स्टैंड के बगल में ही आपको थोड़ा बहुत मिठाई का दुकान भी मिल जाएगा, उस साइड भी थोड़ा बहुत मिठाई का दुकान है। और इधर जो सबसे फेमस है, अगर आप परवत्ता आते हैं तो यहाँ का झालमुड़ी ज़रूर चखिएगा, क्योंकि यहाँ का झालमुड़ी सबसे बेस्ट बनता है। तो दोस्तों ये परवत्ता का तोरण द्वार है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पूजा पाठ का सामान यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे राशन भी आपको मिल जाएगा बहुत सारा, थोक में भी, और वैसे अगर किलो के हिसाब से लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। और बाकी बात आप देख सकते हैं, बर्तन का भी इधर दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। पूरा परवत्ता में अगर आपको शादी का कार्ड या फिर कोई फेस्टिवल का कार्ड छपवाना है, तो यहाँ पूरे परवत्ता में बस एक ही है प्रिंटिंग प्रेस, शारदा प्रिंटिंग प्रेस, जो कि यहाँ पे कार्ड अच्छा छपा जाता है। दोस्तों अगर आप तोरण द्वार के अंदर आएंगे तो कुछ दूर पे ही आपको एक रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसका नाम है बी प्रेस, और ये रेस्टोरेंट तोरण द्वार के अंदर है, कुछ दूरी पर ही है। यहाँ पे आप फैमिली के साथ, दोस्त के साथ आके आराम से जो भी खाने का मन हो खा सकते हैं। और ये परवत्ता का ये ब्रांच SBI बैंक, यहाँ पे तीन बैंक है, SBI बैंक, ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक, यहाँ पे आपको तीन बैंक देखने को मिल जाएगा। और बाकी बात आप, ये सब्ज़ी मंडी है, अभी हम सब्ज़ी मंडी आ गए हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत सब्ज़ी भी मिलता है, और उधर आगे भी दो तीन दुकान आपको मिल जाएगा। बाकी बात आपको इधर भी, उधर की साइड भी आप देख सकते हैं, सब्ज़ी का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात आपको बता दें दोस्तों कि ये मेरा जो है पहली बार है जो हम पब्लिक में वीडियो बना रहे हैं। अब पता नहीं अब लोग, देखिए दोस्तों एक बात बता दें आपको कि अगर आप ये सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अभी कुछ भी मतलब कर ही नहीं पाओगे कुछ। इसलिए कहते हैं कि भाई जो कोई कुछ बोलता है बोलने दो, जो कि मतलब जो कुछ कोई देख रहा है करना, देखने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना वीडियो शूट करो, अपना काम करते रहो बस। और दोस्तों आपको परवत्ता में काफ़ी सारा फास्ट फूड का दुकान देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मोमोज वगैरह, चाट, चाउमीन, ये सब का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आपको ये सारा साइकिल का दुकान देखने को मिल जाएगा। और बाकी बात देख सकते हैं कि आप परवत्ता में जो है काफ़ी बदलाव आया हुआ है, और जो कुछ भी मतलब पहले जो था लॉकडाउन से पहले मतलब उतना भरा उड़ा नहीं था दुकान पे, लॉकडाउन के बाद बहुत सारा बदलाव हुआ है, बहुत सारा दुकान खुल गया है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। अभी वैसे तो उतना भीड़ नहीं है मार्केट में, अभी शाम का टाइम है, थोड़ा थोड़ा शाम जैसे जैसे शाम होते जाएगा उस तरीके से भीड़ लगते जाएगा। उसकी बात देखो, कई लोग घूर घूर के देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, क्या बकवा कर रहा है कैमरे के अंदर।
अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करेंगे। बाकी बात आप देख सकते हो, आपको दिखा दें। ये देखिए दोस्तों, ऊपर भी बहुत सारा दुकान खुलने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ है और काफ़ी दुकान खुल भी चुका है। और इधर आपको बहुत सारा वस्त्रालय देखने को मिल जाएगा, कपड़ा का दुकान, जैसे एक लाइन में पांडा वस्त्रालय, प्रिंस सिंगार स्टोर, ये सब दुकान आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे एक सब्सक्राइबर मिल गए हैं बाज़ार में, और कैसे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। क्या क्या खरीदने आए हैं? क्या खरीदने आए हैं? सामान। कौन सा सामान खरीद लिए? चलिए ठीक है। दोस्तों देखिए, ये परवत्ता का अंदर का मार्केट है, मतलब एक मेन मार्केट बाहर है और मेन मार्केट ये अंदर है। अभी दुकान बहुत सारा दुकान लग ही रहा है। इधर आपको कपड़ा का दुकान मिल जाएगा, वहाँ के बाद चप्पल वगैरह का दुकान भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर काफ़ी सारा दुकान खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है। वहाँ के बाद फर्नीचर का भी दुकान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वैसे देख सकते हैं कि दोस्तों परवत्ता कितना डेवलप कर चुका है, कर रहा है और करने वाला भी है। तो बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है परवत्ता, अगर सारा दुकान खुल जाएगा तो। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर वैसे खेलकूद का दुकान है, उधर फर्नीचर का दुकान है, इधर आप कपड़े का दुकान देख सकते हैं। दोस्तों परवत्ता में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो आपको कपड़ा का दुकान देखने को मिलेगा। बाकी बात, इधर आपको फर्नीचर का दुकान, फ्रिज, कूलर, पंखा, ये सब का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों परवत्ता में आपको ये अन्नपूर्णा मेगा मार्ट देखने को भी मिल जाएगा, जहाँ से आपको सारा सामान, खाने पीने का सामान आपको, कौन सा दुकान है, ग्रोसरी दुकान आपको देखने मार्केट देखने को मिल जाएगा। वहाँ की बात सुपर मार्केट यहाँ भी खुल चुका है, जैसे एक 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 रेस्टोरेंट ये भी है, मून एंड मून, क्या नाम, फूड एंड मून। देखिए ये नया नया रेस्टोरेंट खुला है आपको परवत्ता में, रेस्टोरेंट भी मतलब इधर ही खुला है, नया नया रेस्टोरेंट खुला है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ की बात यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट है, जैसे देखिए मचान, दो तीन रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे आप दोस्त के साथ, फैमिली के साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इधर आपको काफ़ी सारे मोबाइल का दुकान देखने को मिल जाएगा, अगर मोबाइल सब खराब सब होता है तो इधर आप आराम से आगे ठीक करा सकते हैं। के अभी बीच मार्केट में है, और अभी हमें यूनियन बैंक के नीचे एक, ये बैंक है यूनियन बैंक, और अभी आपको पहले दिखाए थे वो SBI बैंक, और एक ग्रामीण बैंक है वो आगे है, टेम्पो स्टैंड के आगे है। तो अभी इस गली में आपको जाके दिखाते हैं और कौन कौन सी दुकानें खुले हैं नए नए। इसमें आपको कपड़ा का दुकान मिल जाएगा, सिंगार स्टोर मिल जाएगा, और बाकी बात आपको फ्रिज कूलर सब इसी गली में आपको देखने को मिल जाएगा। एक फ्रिज कूलर का दुकान उधर भी है, उस साइड है, और अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं। और इसी के अंदर आपको एक स्पोर्ट्स का दुकान भी मिल जाएगा, जो कि गली के अंदर जाइएगा तो उसके ऊपर है स्पोर्ट्स का दुकान, जो कि शुभम स्पोर्ट के नाम से है। तो दोस्तों देखिए, इधर आपको फ्रिज कूलर का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा, इधर अब बाकी बात चप्पल वगैरह उधर आगे हैं, और उस साइड से जो हम आए अभी उधर मोबाइल का दुकान सिर्फ था, और इधर अभी आप चलते हैं शुभम स्पोर्ट्स, जो कि स्पोर्ट्स का दुकान है, खेल कूद का सामान यहाँ पे मिलता है। अभी हम परवत्ता मार्केट के यूनियन बैंक के गली में के ऊपर, यानी कि जहाँ शुभम स्पोर्ट का दुकान है, वहाँ पर हम आए हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि शुभम स्पोर्ट्स का जो एक सिंगल पीस दुकान है, मतलब पूरा परवत्ता में, पूरा परवत्ता बाज़ार में के यही स्पोर्ट्स का दुकान है, जहाँ पे आपको बहुत सारे खेलने का सामान मिल जाएगा, जैसे वॉलीबॉल हो गया, बैट बॉल हो गया, और उसके साथ आपको ट्रॉफी भी देखने को मिलेगा। बाकी बाद हम आपको दुकान दिखाते हैं, यही है शुभम स्पोर्ट्स का दुकान, जहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे कैमरामैन को बोलेंगे अंदर जाके थोड़ा दिखाने के लिए कि किस तरह से ट्रॉफी अभी सजाया हुआ है, देखिए इस तरह इधर दिखाने को बोलेंगे।
किस तरह से टॉपी सजाया हुआ है। और बाकी बात आपको इधर देखने को मिल जाएगा, वॉलीबॉल है, बैट बॉल है, और बाकी आप स्पोर्ट्स का बैग भी आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स का कपड़ा भी है, पैंट भी है। तो ये सब सारा चीज़ जो है यहाँ शुभम स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी चीज़ों जो है यहाँ पे खेलने के लिए सारा सामान आपको यहाँ पे अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको रास्ता बताया, यूनियन बैंक की गली के ऊपर है, छत पे है इनका दुकान, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आपको अगर लेने का मन हो, कोई भी खेल का सामान कोई अगर लेने का मन हो तो आप ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अभी सारा दुकान अभी खुला नहीं है प्रॉपर, अभी बन ही रहा है, जैसे बन गया है वैसे कोई भी रखना चाहता है दुकान तो रख सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात यहाँ पे और कोई दो दुकान देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखिए, प्रवक्ता में आपको प्रिंटिंग प्रेस का भी दुकान देखने को मिल जाएगा, जैसे कपड़े में कोई नाम लिखवाना हो, फिर कोई फ़ोटो प्रिंट करवाना हो, कपड़े को छोड़कर बाकी बात आप कफ में प्रिंट करवाना हो, फिर कोई चाहे अदरवाइज़ में कोई प्रिंट करवाना हो तो उसका दुकान आपको भी देखने को मिल जाएगा। बाकी बात इधर आप देख सकते हैं, जैसे कि कोई गिफ्ट, किसी को गिफ्ट करना हो, यहाँ पर गिफ्ट का दुकान आपको भी देखने को मिल जाएगा। ये जो है दुकान है ये यूनियन बैंक के गली के ऊपर है, और बाकी बात अभी दो तीन दुकान ऊपर खुला हुआ है, बाकी बात सब बंद है। तो ये नौरंगा रोड है, नौरंगा का रास्ता है, और इधर आपको कुर्सी का दुकान, बाकी बात टीन ड्रम, और इधर आप देख सकते हैं जैसे कोई बक्सा वगैरह बनवाना हो टीन का, तो उस चीज़ का दुकान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं परबत्ता का बस स्टैंड, यहाँ पे जो है आपको पटना के लिए बस मिल जाएगा, और जितने भी सारे बसें आती हैं यहाँ पे, जितने सारी बसें जहाँ जैसे भागलपुर जाना हो, खगड़िया जाना हो, महेशपुर जाना हो, तो सारी बसें यहाँ पे आके रुकती है, फिर यहाँ से जो जहाँ जाना होता है वहाँ जाती है बस। यहाँ प्रॉपर यहाँ पे आपको धर्मरथ जो दिख रहा है आपको पीछे बस, ये पटना जाती है, और ये अगर कोई किसी को पटना जाना हो तो यहाँ से बस पकड़ सकता है। बाकी बात यहाँ से ऑटो मिल जाएगा आपको महेशपुर के लिए, खगड़िया के लिए, मड़िया, बाकी बात बहुत जगह है, यहाँ से पसराहा के लिए अभी आपको ऑटो मिल जाएगा। तो सिंपली अब यहाँ पे से आप ऑटो ले सकते हो। बाकी बात आप देख सकते हो कि इधर भी काफ़ी सारे दुकान खुल चुका है, और बाकी बात आप दिखा दें कि इधर काफ़ी सारे दुकान तो उतना नहीं है। और एक बता दें कि आपको एक परबत्ता में जिम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि उसका खुलना मतलब 2 साल हो चुका है खुले हुए, 2 साल पहले वो खुला था जिम, जिसका नाम है अर्जुन जिम सेंटर, और वो भी देखने को आपको परबत्ता में मिल जाएगा। बाकी बात आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखो एक चीज़ हमें आपको बता दूँ, ये जो पीछे टेम्पो देख रहे हैं वो पहले डीजल वाला टेम्पो चलता था, अभी जो है CNG वाला टेम्पो चलता है, तो इससे साफ यही दिखता है कि समय कितना तेज़ी से बदल रहा है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी समय के साथ नहीं बदलते हैं तो समय आपको बदल देगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हो चुका है शाम, और शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा भीड़ भी बढ़ने लगा है मार्केट का, और वैसे भी कोई फेस्टिवल नहीं है, तो लगभग जो ज़रूरी का सामान मतलब ख़रीदना होता है जिसे वही आते हैं मार्केट में सामान खरीदने। बाकी बात इधर आप देख सकते हैं दुकान, इधर खाली कपड़ा का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी बात आपको बताई दी है कि परबत्ता में खास करके आपको सबसे ज़्यादा जो है कपड़े का दुकान देखने को मिलेगा। बाकी बात थोड़ा वो सब्ज़ी का दुकान है, और फर्नीचर का दुकान है, और आपको हार्डवेयर का दुकान भी मिल जाएगा। और इधर हार्डवेयर का दुकान है, प्रभास हार्डवेयर, जो कि परबत्ता में पूरा फेमस है। तो दोस्तों हो गया है शाम, और अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखो आप वीडियो देख लेते हो तो वीडियो में प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि कमेंट से ये पता लगता है कि आखिर हम वीडियो किस तरह से बना रहे हैं, मतलब कैसा बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं कि नहीं। तो आप अगर कमेंट करते हो तो हमें हिम्मत आती है अगले वीडियो बनाने की, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि अच्छा है या ख़राब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में,
अगली जगह पे नए ब्लॉग में। सबसे